का मकसद ये है कि गंगूबाई हैज डन ए टेरिफिक जॉब और ऑन द कंट्री गंगूबाई के साथ वो जो पिक्चर आई साउथ की हिंदी डब, हाँ उसको थोड़ा झटका लगा है। अगर इसके साथ नहीं आती वेलमाइन माइट हैव डन ए वेरी गुड जॉब। इसके साथ आने से क्या, ये बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड कोई फिल्म ला पाया है सूर्यवंशी के बाद। बोलने का मकसद ये है कि जब हमें बॉलीवुड में खजाना नहीं मिल रहा है तो हम खजाना बाहर ढूंढ रहे हैं और वह सक्सेसफुल मिलता है। मैं RRR का मैं वेट कर रहा हूँ, KGF 2 का मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों? आई एम श्योर दैट फिल्म आर गोइंग टू रन। सर जैसे कि आपने कहा यू नो गंगूबाई की वजह से वनी माई जो है उसको कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ा। वेल पुष्पा के बाद जो है वो साउथ इंडस्ट्री का इस यू नो वर्ल्ड वाइड रिलीज करना फिल्म को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी। बॉलीवुड इंडस्ट्री कर नहीं पा रही, सॉरी टू कट योर टॉक, बॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छे पिक्चर दे नहीं पा रही जो पहले सुपर डुपर हिट आते थे गंगूबाई को छोड़ के। तो आजकल हम लोग का ध्यान साउथ इंडियन हिंदी डबिंग पे है और आप मानेंगे नहीं बहुत लोग आते हैं उसमें। मेरे वहाँ रवि राजा की भी पिक्चर मैंने लगाई थी अभी खिलाड़ी, डन ए वेरी गुड जॉब। उसी तरह RRR आ रही है, KGF 2 आ रही है, उस सबकी पब्लिसिटी का अभी से बंदोबस्त चालू हो गया है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि कब हम वहाँ मुड़े हैं, इमोशन भी है, एक्शन भी है, क्या नहीं है उनके पास, कहानी भी है और दूसरा उनकी टेक्निक्स कमाल की है। आप पुष्पा में देखो एक छोटी चीज़ छोटे छोटे बच्चे अच्छा कर रही है, तो ये सब बात कमाल की है। और पुष्पा मेरे वहाँ अभी तक हाउसफुल जा रही है सर, अभी तक मेरे गेटी गैलेक्सी में पुष्पा चल रही है, तो आई एम प्राउड ऑफ डैट। वेल डेफिनेटली, लेकिन टॉकिंग अबाउट वनी यू नो जैसे कि आपने कहा डिजार्ट, मतलब कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, बट कितना फर्क पड़ा है और कितने परसेंट ऑडियंसेस जो है वो प्रिफर करते हैं? अगर इसके साथ नहीं आती वेलमाइन माइट हैव डन ए वेरी गुड जॉब। इसके साथ आने से क्या, ये बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड कोई फिल्म ला पाया है सूर्यवंशी के बाद। तो मेरा कहना ये है कि डू इट लाइक द साउथ, साउथ का रीमेक हम यहाँ करते हैं। मनीष शाह आज की तारीख में अबजपति है, गोल्ड माइन, बहुत सारी पिक्चर वही रिलीज करता है, तो प्राउड ऑफ हिम। बोलने का मकसद ये है कि जब हमें बॉलीवुड में खजाना नहीं मिल रहा है तो हम खजाना बाहर ढूंढ रहे हैं और वह सक्सेसफुल मिलता है। मैं RRR का मैं वेट कर रहा हूँ, KGF 2 का मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों? आई एम श्योर दैट फिल्म्स आर गोइंग टू रन। हाँ वर्ल्ड वाइड ज़्यादा कमाई की है, क्या है साउथ में तो उसका डंका बजता है ना, तो बट नेचर और वर्ल्ड में भी वो सब पिक्चर देखना बहुत चाहते हैं। वर्ल्ड में भी आज मलयाली तमिल दे आर ऑल इन ड्यूरिंग वर्ल्ड। अभी ये जो रशिया और उसका हो रहा है उसकी असर पड़ी है बिजनेस पे, यहाँ नहीं फॉरेन के अंदर बहुत पड़ी है असर। लेकिन देखो भगवान करे सब ठीक हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं। बहुत है। लेकिन वजह एक ही है उसकी कि लोग जो ये फिल्म तमिल में समझते हैं, तेलुगु में समझते हैं, मलयालम में समझते हैं, उसकी संख्या फॉरेन में बहुत है। दे हैव गॉन फॉरेन टू वर्क एंड दे आर अर्निंग लॉट इन डॉलर्स पाउंड दिराम्स, तो वो बात अलग हो जाती है, इसलिए वहाँ बहुत चली है। अब गंगूबाई काठियावाड़ी क्या है, सब्जेक्ट हो गया गुजरात का और सीज डन अ वेरी गुड जॉब, बट इट इज़ लिमिटेड टू इंडिया। बाहर भी गई है, फॉरेन में भी चलेगी 100%। लंदन चलेगी, वह गुजराती बहुत है, कनाडा चलेगी, गुजराती बहुत है, आई कैन से दुबई गुजराती कम्युनिटी बहुत है, वहाँ सब जगह पे चलेगी। बाकी कुछ जगह ऐसी है जहाँ गुजराती कम्युनिटी इतनी नहीं है, वहाँ नहीं चलेगी।